Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. Sara Ji, बहुत खूबसूरत हैं आप. Thank you. इस बात में मेरे ज़हन में एक शेर आया है. इरशाद. बोल ना जल्दी बोल. तो अड़ गया है. Knock knock. ओए सोफा ना तोड़ देना मेरा. Knock knock, who's there? Oh. Knock knock. Knock knock, who's there? Whoever is there, उससे हमें क्या लेना? Knock knock, who's there? Whoever is there, उससे हमें क्या लेना? Sara, I want to talk to you. अपना private mobile number तो देना. वाह, देखो मेरी बात सुनो. ये शरेआम जो आप सारा के साथ flirt कर रहे हैं, आप जानते हैं उनके पापा कौन हैं? सब जानते हैं इनके पापा कौन हैं. पर क्या आपको पता है मेरे पापा कौन हैं? कौन हैं? वही तो प्रॉब्लम है. कोई नहीं जानता मेरे पापा को. लेकिन मैं आज आपको बताऊं, मेरे पापा से मिलने के लिए लोग मरते हैं. ऐसा क्या काम करते हो? इस जल्लाद बेसिकली. लोग अपने प्लान बनाते रहते हैं. ही एग्जीक्यूट. आनंद एल राय जी, आप इतनी सारी फिल्में बनाते हैं, मैंने अभी सुना कि और आप 20-25 बनाने वाले हैं. उसमें से एक आध फिल्म में मुझे लीजिए ना. बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक आध में पूरे आ जाए, नहीं तो 2-3 में तो कर ही लेंगे. और अच्छी बात है भाई, 2-3 फिल्में मिल रही हैं मुझे. फालतू की बातें करवा लो इनसे. टैलेंट भी तो होना चाहिए उसके लिए. टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा है. वो टैलेंट नहीं है. अरे नहीं भाई, मेरे अंदर इतना टैलेंट है कि हर तीसरे दिन मुझे कोई कूट के जाता है. मैं निशाना कमाल का, मैं आपको दिखाता हूँ, आप यकीन नहीं कर रहे. एक मिनट, ये कहाँ है? ये मैं आपको निशाना लगा के दिखाता हूँ. यू सी नाउ. एक मिनट, इसमें बांध तो है नहीं. हाँ बांध तो है नहीं. हाँ तो ये तो होना ही है भाई. आप अपने साथ धनुष नहीं लाए, हम अपने साथ बांध नहीं लाए. भाई हमारी सभ्यता में इसे टिट फॉर टैट कहते हैं. अब देखिए, मैंने थोड़ा आपका नमूना भी दिया है सर. हाँ. एक फिल्म में ले लीजिए, मैं अपनी डायलॉग राइटिंग भी कर लूंगा. अक्षय कुमार जी, आप यकीन नहीं करेंगे. आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, ये जो बैठे ना यहाँ पे राइटिंग करते हैं जो सारे, हाँ ये जो आगे के, ये आगे बैठे, हाँ ये, इन्होंने मुझे लिख के दिया था. हाँ. कि उनसे कहना अक्षय कुमार जी से जब वो आएंगे. हाँ. कि आपकी फिल्म में आप आग से जल रहे हैं, तो अक्षय कुमार जी आप इतने पैसे कमाते हैं, आप किसी से क्यों जल रहे हैं? ये इन्होंने मुझे लिख के दिया. मैंने साफ मना किया कि ये लाइन मैं स्टेज पे जाके नहीं बोलूंगा. बोल तो रहे हैं अभी आप. मैंने बोली नहीं है. मैंने ये अभी अभी क्या बोला? मैंने नहीं, ये मैंने बोली नहीं है. मैंने बताया कि उन्होंने कहा बोलो, मैंने बोली नहीं है, मैं बताया. बताने में बोलने में फर्क है. पाजी, इनको हमारी क्रिएटिव टीम ने कहा था ये लाइन मत बोलना. इन्होंने कहा कि मैं इस तरीके से बोलूंगा कि उनको लगेगा नहीं कि मैंने बोली है, उनको लगेगा मैंने बताई है. ए! आप चाहें तो इनका नारियल तोड़ सकते हैं. ये क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? एक तो अक्षय कुमार जी, जब आप आते हैं ना, समझ में नहीं आता कि अपना कौन है, पराया कौन है. सारी टीमें इधर की उधर हो जाती है, सब मिक्स हो जाता है. आप करने के आए इधर आज? नहीं, लोग अपने पीछे पड़ जाते हैं. करने के आए? मैं यहाँ पे डरने आया हूँ दोस्त. आप लोग मुझे डराते रहिए, मैं डरता रहूंगा बस. लेकिन सारा अली खान जी, मुझे एक और चीज आपके साथ शेयर करनी थी. बताइए. हमारी ये जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर इतने कमाल के गाने बनते हैं जी. लोग मेहनत करते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, गाना बनाते हैं, वो लिरिकिस्ट हैं, वो लिखते हैं, फिर अपने सिंगर हैं, गाना गाते हैं. इतनी मेहनत जुड़ के एक गाना बनता है. बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मजा आया. थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. सारा, एक बात बताइए. हाँ, जैसे फिल्म में आप 21 बार भागने की कोशिश करती हैं, पकड़ी जाती हैं. हाँ जी. आप शरारती तो हैं बहुत, ये तो हमें पता है. कभी बचपन में कोई ऐसी शरारत की जो आप शर्म पकड़ी गई हो? बहुत की है. एक बार मैंने अपनी मम्मी को झूठ बोला, जो कि नहीं बोलना चाहिए, यू मस्टंट लाए. मैंने मम्मी को बोला कि मैं पड़ोसी के घर हूँ, लेकिन मैं लोकल ट्रेन लेके एल्फिंस्टन रोड चली गई. क्यों?
एक और फ्रेंड से मिलने. अच्छा. हाँ, तो जब मैं वहाँ गई थी तो अगली सुबह मम्मी कमरे में आई और उन्होंने बोला था कि कल कहाँ थी. मैंने बोला मैंने कहा ना मैं पड़ोसी के घर गई थी. तो एक्चुअली उनको किसी जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया था और बोला दैट अमृता जी आपने अपनी बेटी को इतनी अच्छी तरह से ब्रिंग अप किया है, यू नो शी यूजेस लोकल ट्रेन एंड ऑल. मैंने बोला व्हाट, क्योंकि एक जर्नलिस्ट की फोटोग्राफर को मेरी तस्वीर मिल गई थी. अच्छा. लोकल ट्रेन पर और मैंने मम्मी को झूठ बोला. तो उसके बाद आपने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की मैं बिना बताए मम्मी को? उसके बाद भी की लेकिन फोटोज अब तक नहीं छपे हैं उसके. थैंक गॉड. ये कुछ आपके फैंस के सवाल हैं. बताइए कि अतरंगी रे फिल्म तो आपकी आ रही है, उसमें आप काफी अतरंगी हरकतें कर रही हैं. रियल लाइफ में आपने कभी कोई ऐसी अतरंगी हरकतें की हैं? कभी पीठ पे बड़ी खारिश होती कभी कभी? हाँ जी. है ना, तो हम देखते हैं कि आसपास कोई है नहीं और कई बार पीठ पे हाथ भी नहीं पहुंचता. हाँ. तो फिर आदमी दीवार के साथ रगड़ के ऐसे करता है ना, कभी आपने किया है? मेरे हाथ पहुंच जाते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी है. हाँ जी. आप चाय पीती हैं? हाँ जी. कॉफी बेहतर है लेकिन. कॉफी, ओके. तो कभी कॉफी में हम लोग बिस्कुट डिबोते हैं ना, तो बिस्कुट टूट जाता है. हाँ जी. फिर हम दूसरा बिस्कुट लेते हैं. हाँ. और पहले वाले को ढूंढते हैं. हाँ जी. और दूसरा भी टूट जाता. हाँ. है. ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ जी. सारी हरकतें आपकी हमारे वाली हैं. है ना? है ना? मैं आपकी जैसी हूँ कपिल जी. कभी ऐसा किया? कभी कभी हमें ऐसी जुराब मिल जाती है, हम पहनते हैं, पता चलता है अंगूठा बाहर ऐसे करके निकल आता है. हम सोचते हैं कि जूता पहन लो, कौन सा किसी को पता चलेगा. फटी जुराब पहन के गई आप कभी? हाँ जी. सर मेरे अक्सर कपड़े फटे ही होते हैं, बस भाड़े वाले अच्छे होते हैं. मेरे पोस्टर वाले सब फटे होते हैं. मैं मजाक नहीं कर रही. वो जो आते नहीं लस्सी के पैकेट छाछ के. हाँ जी. वो जब खत्म हो जाते हैं स्ट्रॉ में, फिर हम स्ट्रॉ निकालते हैं. हाँ. फिर उसको देखते हैं कि उसमें लस्सी बची है और खटक से एक बूंद आंख पे गिरती है. तो कभी कभी ऐसा आप करती हैं ऐसी हरकतें? मेरा जो क्रीम होता है घर पे, टूथपेस्ट होता है, वो भी मैं कैंची के साथ काट काट के ऐसे ऐसे इस्तेमाल करती हूँ. जब तक पूरा वसूल ना हो जाए ना, मैं छोड़ती नहीं. लवली. वेरी गुड. कभी ऐसा हुआ आप नहाने गई हो और फेस वॉश खत्म हो गया, फिर आपने शैम्पू से मुंह धो लिया हो? नहीं, फिर मैं नहाऊंगी नहीं, कोई बात नहीं. लड़की ईमानदार है, ऑनेस्ट है. आनंद सर मैं आपको बताना चाहूंगा, अक्षय पाजी को बताया, सारा को भी बताया, हमारे जो सेलिब्रिटीज होते हैं, स्टार्स होते हैं, अपनी फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे. लोग नीचे कमेंट्स बड़े अच्छे अच्छे करते हैं जी. तो वो कमेंट्स हम लोग निकाल के रखते हैं, फनी फनी कमेंट्स. राइट. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सबके, प्लीज हैव अ लुक. दिखाइए जरा. सारा की ये पिक्चर है, सारा ने कैप्शन नहीं लिखा है. ओके, दिखाइए कमेंट्स. कैसे पढ़ सकते हो ये? अभी आएंगे ना. ये देखिए, फोटो का इतना बुखार, कम से कम नींद तो पूरी कर लेती. नीचे किसने लिखा, दीदी मेरे घर पे कंगी है, भेज दूं? तो कौन है जो दीदी बोल रहा है आपको? और दिखाइए. जल्दी जाओ, पहले ब्रश करो फिर नहाओ, बालों में तेल जरूर डालना, तब फोटो अच्छी आएगी. थैंक्स मी फॉर ब्यूटीफुल एडवाइस. जिसने रिप्लाई लिखा है आपके फैन ने, बिना मांगे एडवाइस नहीं देनी चाहिए, तो तू क्यों दे रहा है? Nice. सारा भी लाइक. ये भी कोई तरीका है उठाने का? पंखा किसने बंद कर दिया? हाँ, हमारी मम्मी अक्सर कभी कभी कर देती. दिखाइए और. मिस्टर एंड मिसेज सूर्यवंशी सोकिंग अप सम सनशाइन. अच्छा. व्हाइल वेटिंग फॉर 5th November. दिखाइए नीचे कमेंट्स. शादी से पहले डर दूर भगाते हुए खिलाड़ी कुमार. दोनों नीचे आ जाओ, फिल्म हिट हो गई है. किसी लिखा, बेटी तुम अच्छा स्टंट कर लेती हो, तुम मेरी बहू बन सकती हो, तुम्हारा श्याम क्वेश्चन. ओह सॉरी श्याम सर, ये हमारा नहीं है. मैडम हेलीकॉप्टर आएगा और अक्षय कुमार तो लटक के निकल जाएगा, आपको बाय रोड ही जाना पड़ेगा. और दिखाइए. Life is a journey. Life is a journey. To solve and lessons to learn, but most of all, experiences to enjoy. Hashtag Rakshabandhan at Akshay Kumar. दिखाइए जरा comments. Seat confirm हो जाती तो train के अंदर बैठे होते. Chart लेके बैठे हो तो देख के बताना RSC confirm हुई कि नहीं. मैं जुगनू 32 साल. पीछे जो बंदा खड़ा है वो बीबी को छोड़ने की खुशी में ये भी भूल गया कि पास में अक्षय कुमार बैठे हैं. और दिखाइए.
God. Only from the heart can you touch the sky. Heart, heart. Heart, heart. Dil heart. Se. हाँ ठीक है हार्ट समझने वाले समझ जाते हैं दिखाइए कमेंट्स और इसीलिए कहते हैं ऑफ सीजन में जाना चाहिए होटल के पैसे देकर भी पेड़ पे सोना पड़ रहा है पेड़ पे आप फोटो खिंचाने चढ़ी हैं या पीठ खुजाने इसलिए आपका सवाल अरे घमोरी लाल खुजली तुम्हें होती है वो सन बात ले रही है रिप्लाई किया किसी ने फैन ने लड़ते हैं फैन आपस में और दिखाइए सुंदर लड़कियों को सीधे लड़के और सीधे पेड़ पसंद नहीं आते वाह वाह इन्हें ऐसे पेड़ कहाँ मिल जाते हैं हमारे यहाँ तो नारियल के पेड़ बिल्कुल सीधे होते हैं मैडम पेड़ प्रमोशन कर रही हैं अच्छा वर्ड प्ले आगे दिखाइए Growing up, my sister Alka was my first friend. It was the most effortless friendship. Raksha Bandhan ki photo. Okay. Ispe dikhaiye comments. Ghadi dekhne ki zarurat nahi hai. Vakt to Akshay Kumar ka hi chal raha hai. Akshay bhi like. Itni sari ghadiyan de raha hoon. Subah time pe uth jana. Aur dikhaiye. नाम राय रख लो फिर भी अक्षय कुमार ही राय देगा अक्षय भी लाइक मेरे साथ काम करोगे तो एक साल में चार फिल्म करोगे वरना चार साल में दो ही आएंगी सोच लो आगे हॉर्न नॉट प्लीज हॉर्न नॉट ओके प्लीज अच्छा ओके भी अच्छा बहुत बहुत छोटा है दिखाइए जूता थोड़ा और ऊपर खींच लो पैंट बन जाएगी इतने बड़े जूते हैं इनके मोजे कितने बड़े होंगे रिप्लाई पहन तो रखे हैं नीले मोजे अबे वो जीन्स है और दिखाइए व्हाट एन आर्गुमेंट टू हैव थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स अक्षय कुमार सर एंड डिराइविंग ट्रुथ इन दिस में काफी लंबा है कमेंट्स पढ़ते हैं बता रहे हैं पांच लोग बैठे थे दो गिर गए आनंद जी सर्कल से पहले उतर जाना नहीं तो डंडा पीछे वाले के ही पड़ता है ओ, बड़ी बारीक ऑब्जर्वेशन है ये पीछे वाला करता उफ और दिखाइए अक्षय कुमार सुबह सुबह घर से सबको शूटिंग पर लाते हुए एक स्कूटर पर तीन तीन ना जाएं आप भी अपना अपना स्कूटर खरीद सकते हैं हम सोना गिरवी रख के स्कूटर देते हैं जब घर में पड़ा हो सोना तो क्यों तीन तीन को ढोना और ओके थैंक यू धन्यवाद खैर अतरंगी रे की पूरी टीम के लिए जोरदार ताली हो जाए सर मैं पिक्चर का प्रोमो देखी मेरे को बहुत अच्छा लगा आप उसमें जादूगर है ना जैसे आप जादू करके से कबूतर निकालते हैं ना नाला सोपारा में एक लड़का है वो मच्छी निकाल देता है वो भी जादूगर है नहीं मछुआरा है वो वैसा नेट फेंकता है ना मच्छी निकलता है खैर आपको बता दूं मेरे को भी जादू आता है सारा करके दिखाऊं मैं दिखाओ दिखाओ हाँ अभी देखना अभी आनंद सर की जो कुर्सी है ना अभी उड़ेगी देखना हवा में उड़ेगी मैं आपको नहीं बोली है इसको बोलती हूं ठीक है हटा सावन की घटा खा कुचा बत्ती बुझा के सो जा मत ये तो उड़ नहीं रही आज हवा थोड़ी कम है ना और वैसे भी अक्षय सर के सामने किसकी उड़ने की हिम्मत है बाबा कोई उड़ सकता है क्या खैर आनंद जी कैसे बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगता है आप हमारे हर एपिसोड में आते हो अरे ये तो पहली बार आए अरे नहीं जो भी हमारा एपिसोड देखते हैं ना पब्लिक वो बोलती है आपका हर एपिसोड देख के आनंद आता है आज तो डबल आनंद आ गया कोई फिल्म की बात करना तू आई बिग फैन यू थैंक यू मैंने आपकी सब फिल्में देखी सर आपने वो बनाई थी ना जीरो आपने जीरो बनाई आपकी तारीफ हुई मैं जीरो बनाई मैं अंदर हो गई क्यों अरे मैं 200 के नोट पे ना ऐसा जीरो बना के उसको 2000 बना के चला रही थी तो इन लोगों ने मेरे को अंदर कर दिया अरे वो सपना वो करके बताना सारा को वो बड़ी फैन है तुम्हारी उस चीज की किसकी तुम्हारी एग्जिट की लेके बताना मैं एग्जिट नहीं लेगी मेरे को आप इनसे बातें करनी मैं बहुत नाराज हूँ सर आपसे क्यों क्यों
जब से आए ये मुझसे ही बातें की जा रहे हैं, उनसे तो एक बात नहीं की ना। हाय सारा, मैंने आप लोग की पिक्चर का प्रोमो देखा। इस फिल्म में आप ऐसे 21 बार भागी है ना? हाँ जी। और पकड़ी भी गई? हाँ। और मेरा देख लो, मैं भागी भी नहीं, सोते सोते पकड़ी गई मैं। कैसे? कैसे? अरे मैं ट्रेन में ना विदाउट टिकट स्लीपर क्लास में सो रही थी, तो वो टीटी ने आके ना मेरे को पकड़ लिया। और ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे बाजू में जो लड़की थी ना, उसके पास तो टिकट थी, फिर भी टीटी ने उसको पकड़ा। क्यों, उसको क्यों पकड़ा? वो घर से भाग गई थी ना। तो टीटी ने क्यों पकड़ा? अरे टीटी उसका बाप था ना। कैसे, क्या यार। खैर आनंद सर, आपने सर बहुत हीरोइनी लोग को काम दिए लाए, मेरे को भी कुछ काम दो ना, मस्त ऐसा पिक्चर में मैं भी करूंगी। एक्टिंग आती तेरे को? अरे एक्टिंग क्या, मैंने अभी बहुत बड़ा ऑडिशन दिया अर्चना जी, बहुत बड़ी पिक्चर में ना 200 लोगों का ऑडिशन हुआ था। अच्छा। हाँ, शॉर्ट लिस्ट में मेरा ही नाम था। बाकियों क्या? बाकी सिलेक्ट हो गए थे। हो गया तेरा सपना, चल अभी निकल यहाँ से। अरे नहीं, ऐसे कैसे जाएगी। सर हमारा पार्लर था इधर जो इसने तोड़ दिया, हमारा मसाज आपको मालूम है, अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। जी जी। हमारे पास एक मसाज है आपके लिए, टेंशन मसाज। टेंशन इसमें क्या होता है? अभी क्या आप लोग शूटिंग करते रहते हैं, बहुत टेंशन होता है, तो ये सबसे अच्छा मसाज है। इसमें क्या रहता है कि कस्टमर आता है, ठीक है, फिर मेरी दो असिस्टेंट आती है, हम कस्टमर को तेल लगाते हैं, एक असिस्टेंट जो है उसको टकला करती है और दूसरी असिस्टेंट जो है उसके पैर में घुंघरू बांधती है, फिर मैं इधर डंडा लेके खड़ी रहती है, मेरी दूसरी असिस्टेंट उधर डंडा लेके खड़ी रहती है, मैं इधर से डंडा सर पे मारती, आवाज आती है टन, वो मारती आवाज आती है शन, फिर टन शन टन शन, ऐसे हम लोग का टेंशन मसाज रहता है। मजा नहीं आया अक्षय सर? नहीं। फिर ये तो बाबा हमारे मेन, ये तो हमारे मेन क्लाइंट है बाबा, मेन क्लाइंट, ये सच्ची में हमारे मेन क्लाइंट है सर, हमारा शो इनकी बदौलत चलता है बाबा। आपको पता है सर, हमारे शो पे ना बुकिंग रहती है। हाँ, बुकिंग्स रहती है। अभी अक्षय सर कैसे है, जैसे अगले साल इन्होंने 9 एपिसोड बुक किए हमारे। मैं दिखाती ना आपको, देखिए। मैं ही बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं पूरी तैयारी की सर। अच्छा अच्छा अच्छा, दूर जाके बता। 9 एपिसोड की बुकिंग। उसमें 3 फिल्में मेरी नहीं है। कोई बात नहीं, आप कल साइन कर लेना ना। तो सर हमारा ऐसा रहता है इसमें, तो इफ यू वांट एनी बुकिंग फॉर आवर शो, तो आप भी बुकिंग कर सकते हैं सर अपनी पिक्चरों का। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। इन्होंने रक्षाबंधन इन्हीं की है। हाँ, रक्षाबंधन आप आने वाले ना उसके। हाँ, इन्हीं की है। तो सर ये देखिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है सर। जी। ये अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आप तो सर क्या बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं, यहाँ हम आपको नकली जगू दादा, नकली जीतू जी, नकली धर्म जी, नकली अमित जी सबसे मिलवाएंगे। हाँ बिल्कुल। और वकील चंदन सुमोना वो सब भी तो हैं। अरे उनका मजा नहीं आता इतना, छोड़ना। उनका क्या मजा है। ठीक है सर, तो कॉन्ट्रैक्ट पक्की, रक्षाबंधन के लिए भी मिलेंगे हम लोग। ये पिक्चर आपकी सुपर हिट होगी, एक बार जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू, बाय। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.